Hello everyone, welcome back in a Big Data Analytics course. And in this course, we are going to see complete detail about the big data and the tools, uses, features and everything about of it. So let's understand first what is exactly big data. तो देखो big data कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ. उससे पहले आप समझो data. Data क्या होता है? Data is a raw fact and figures which has meaning. यानी कि ऐसा कोई information जिसका कोई meaning हो. Let's see an example. यहाँ एक कुछ दे रखा है आपके सामने. क्या आप इसको देख के पढ़ के बता सकते हो कि अपन अगर सोचिए क्या लिखा हुआ है? तो देखो ये कुछ नंबर्स है, अल्फाबेट्स है, देन अगेन नंबर है, लेकिन कुछ मीनिंग नहीं बन रहा ना इसका. अगर मैं इसके आगे लिख दूं रोल नंबर, तो अब आप पता लगा सकते हो क्या चीज है. यस, हमें पता चल रहा है कि किसी स्टूडेंट का ये क्या है, रोल नंबर है. और अब इस रोल नंबर के थ्रू मैं उसकी डिटेल निकाल सकता हूँ, उसका रिजल्ट देख सकता हूँ. ठीक है, तो एक तरह से ये मीनिंगफुल हो गया, ये डेटा है. अब अगर मैं बिग डेटा की बात करूँ, फॉर एन एग्जांपल अमेज़न है. अमेज़न पे डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, लोग परचेस करते हैं, बैक भी करते हैं, रिटर्न भी करते हैं, ऑर्डर प्लेस भी होता है, ट्रैकिंग सिस्टम है, आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंच गया, नहीं पहुंचा, तो पूरी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलती है. तो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा हो गया ये, आपका होता है टीबी के अंदर, दैट इज योर टेराबाइट के अंदर होता है ये डेटा आपका बिग डेटा. बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और ट्रेडिशनल वे के थ्रू आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, एनालाइज नहीं कर सकते हो. दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज अ बिग डेटा. ठीक है, बिग डेटा बहुत अमाउंट ऑफ डेटा. लाइक यूट्यूब देख लो, आज आपके सामने यूट्यूब है जिस पर ना जाने कितनी सारी वीडियोज रोज अपलोड हो रही है, ये भी एक डेटा ही है. ठीक है, ना जाने कितने सारे शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कितनी सारी रील्स अपलोड हो रही है. तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर कितना सारा चीजें एड ऑन हो रही है, तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भी बनता जा रहा है. तो ये एक बिग डेटा की कैटेगरी के अंदर आता है. सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट बिग डेटा एक ऐसा एनालिसिस करना है जिसके थ्रू अपन कुछ हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है उनको देख सकते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन से डेटा को ऊपर आना चाहिए, कौन से डेटा को नीचे जाना चाहिए. लाइक आपका ट्रेंडिंग का पेज है यूट्यूब का, सिमिलरली कस्टमर प्रेफरेंस यानी कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है उसके अकॉर्डिंग ही उनको चीज़ें दिखाई जाए. लाइक आपने कोई चीज़ परचेज की तो उसी टाइप के आपको एड देखने को मिलेंगे. तो दैट ऑल includes into the big data analytics. Now we will see how does big data analytics work. काम कैसे कर रहा है कि big data analytics. So see. So the very first process is that data scientist हो या आपके data professionals है, वो क्या करते हैं, जितना भी data है different sources से, हो सकता है internet से उसने लिया हो सकता है, mobile application से लिया हो सकता है, उन्होंने जहाँ से भी data लिए हैं, जो भी source है उनके, वहाँ से सारे data को वो collect करते हैं सबसे पहले तो. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में डेटा को प्रिपेयर किया जाता है एंड प्रोसेस्ड किया जाता है. इन दैट केस की डेटा को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि किस कैटेगरी में इसको डालना चाहिए, किस टाइप का डेटा है, फिर उसको कॉन्फिगर किया जाएगा, फिर उसको डिवाइड किया जाएगा प्रॉपरली फॉर द एनालिटिकल क्वेरीज, यानी कि उनकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ऑर्गेनाइज करेंगे, कॉन्फिगर करेंगे एंड पार्टीशन किया जाएगा. थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, डेटा इज क्लीन्स्ड. ठीक है, क्लीन किया जाएगा सबसे पहले टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी यूजिंग द डेटा क्वालिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डेटा को इम्प्रूव किया जाएगा, सो डेट जितना बेटर डेटा अपन को मिलेगा उतना अच्छा आउटपुट अपन को देखने को मिलेगा. लास्ट में जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, चाहे प्रोसेस किया है या क्लीन किया है डेटा, उसको एनालाइज किया जाएगा यूजिंग द एनालिटिक टूल्स या सॉफ्टवेयर. लाइक बहुत सारे मार्केट में टूल्स है, लाइक डेटा माइनिंग एक टूल है, मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, डीप लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें अपन क्या होते हैं मशीन लर्निंग में प्रिडिक्टिव मॉडल बना देंगे कि जिस चीज़ की, लाइक कोई भी कस्टमर है कोई भी प्रोडक्ट बार बार खरीद रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो चीज़ें एड दिखाया जाए या रिकमेंडेड सिस्टम दिखाया जाए. तो ये सब एनालाइज किया जाता है. तो दिस इज हाउ द बिग डेटा एनालिटिक्स वर्क. Now there are so many tools of the big data analytics and the technologies that we see, like Hadoop होता है एक, तो एक होता है आपका predictive analysis यानी prediction वाले. ठीक है, no SQL database यानी कि जिनके बीच में relationships नहीं देखने को मिलती है. ठीक है, वो उस type के आपके databases के लिए टूल होता है. एक होता है डेटा वेयर हाउस, जिसके अंदर डेटा को स्टोर करा जाता है अलग अलग वेयर हाउस पे, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है या टूल्स है बिग डेटा एनालिटिक्स का. एंड द डेटा प्री प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक स्पार्क होता है जो मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स को यूज करता है. नाउ वी विल सी द बिग डेटा एनालिटिक्स यूजेस एंड द एग्जांपल. सो नाउ वी विल सी व्हाई वी आर यूजिंग द बिग डेटा एनालिटिक्स.
क्या नीड बनी बिग डेटा को एनालाइज करने की। देखो अगर अपन ऐसा करेंगे तो मैंने बताया हिडन पैटर्न्स मिलेंगे, कोरिलेशनशिप्स मिलेगी, कस्टमर प्रेफरेंसेस मिलेगी। तो इसी में होता है कस्टमर एक्विजिशन, यानी कस्टमर की पहचान होती है कि किस टाइप का वो डेटा देख रहा है, किस टाइप की चीज़ें वो पसंद कर रहा है, तो वो चीज़ें स्टोर होती है और उसके अकॉर्डिंग उसे आगे चीज़ें दिखाई जाती है। रिटेंशन भी यही है, किस टाइप का कस्टमर रिटेंशन देखने को मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग टारगेटेड एड्स को यूज किया जाता है कि इस टाइप के प्रोडक्ट को ये यूज कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें देख रहा है, तो इस टाइप के टारगेटेड एड्स दिखाया जाए सो डैट ही कैन परचेज मोर फ्रॉम दिस वेबसाइट। ओके, एंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखा जा सकता है कि लाइक समवन इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में और क्या चीज़ें अपन एड ऑन कर देगी, ये प्रोडक्ट और भी अच्छा हो सके, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखा जा सकता है। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, अगर अपन डेटा को एनालाइज कर पाए तो अपन प्राइस ऑप्टिमाइजेशन भी देख सकते हैं कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करके यही प्रोडक्ट चीप रेट में लेके आते ताकि मोर कस्टमर्स उसको परचेज कर सके। रिस्क मैनेजमेंट, कि इसको करने में कितना रिस्क लगेगा कितना नहीं लगेगा, अगर अपन बिग डेटा को एनालाइज कर पाए तो ये चीज़ें पॉसिबल है। नाउ लास्ट, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन जो भी आप करोगे, नाउ आप एनालाइज कर लोगे डेटा को, तो आपके पास एक तरह से डेटा होगा, प्रूफ होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाओगे और वो आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर देगा। सो इस वीडियो में इतना ही, होप सो यू गाइस हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज़ द बिग डेटा। यू गाइस एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये प्लेलिस्ट अपन पूरी करने वाले हैं ओनली फॉर यू। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।